Don't forget to like my video and subscribe to my channel. And please press the bell icon. Assalamualaikum, welcome in Sidra's Kitchen. तो आज मेरी किचन में मैं बना रही हूँ कुछ डिफरेंट और बहुत ही क्विक रेसिपी जिसका नाम है टमाटर की चटनी इन माई स्टाइल. ये सिदरा के स्टाइल में है और ये एक बिल्कुल यूनिक एंड नोवेल रेसिपी है जो कि यूट्यूब पे आपको इससे पहले नहीं मिलेगी क्योंकि ये मेरी इन्वेंशन है, मेरी इजाद की हुई रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार ये चटनी बनती है. अब तक जिसको भी मैंने खिलाई है तो वो तारीफ किए बगैर रुकता नहीं है. ठीक है जी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस अपनी चटनी की क्विक रेसिपी को भी अपने मैं चैनल पे अपलोड कर दूं. सो स्टार्ट करते हैं रेसिपी. मैं आपको बताती जाऊंगी कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या रखे हैं. मैं बना रही थी तो सोचा कि क्यों ना रेसिपी ही बना लूं. ठीक है, सो स्टोव ऑन कर रहे हैं हम और इसमें पैन में मैंने जो है वो थोड़ा सा ऑयल डाला हुआ है. ठीक है, तकरीबन फुल 1 टेबल स्पून के करीब ही है ये. ठीक है, अच्छा रेसिपी में यहाँ पर जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं जल्दी बताती हूँ, फिर रेसिपी कार्ड भी दे दूंगी. जो है यहाँ पर है 2 स्मॉल टोमेटोज, मीडियम साइज के 2 टोमेटोज थे, रेड रेड मैंने ले लिए थे. 4 जो है वो कड़ी पत्ता है. ठीक है, 4 कड़ी पत्ते के लीव्स हैं और 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च है. आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं. यहाँ पर मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा मिर्ची वाला, क्योंकि साथ में मैं बना रही हूँ मटर पुलाव तो मिर्चों वाली चटनी चाहिए, इसलिए मैंने वो डाल दी. और रेड पेपर भी है. ठीक है, इसके अलावा सॉल्ट है इसके अंदर. ठीक है, तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर. सॉल्ट है, रेड पेपर है, रेड चिली फ्लेक्स हैं और कड़ी पत्ता है और टमाटर है. ठीक है, और ऑयल है. चलें जी स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को. ठीक है, ऑयल हीट कर लिया था मैंने पहले ही. ठीक, अब मैं बस इसको ऐड कर रही हूँ. ठीक है, और ये इतने मज़े की बनेगी ना रेसिपी, जैसे टमाटर की चटनी के साथ ट्रेडिशनल रेसिपी बनती है ना, वो भी मैं दे दूंगी अपने चैनल पे. वो जो ट्रेडिशनल रेसिपीज बनती है उर्दू स्पीकिंग के घर में, तो वो रेसिपी तो खैर एक है ना. ठीक है, स्टैंडर्ड. बट ये रेसिपी, ये मेरी इन्वेंशन है जो कि मैंने एक दिन बस बनाई, जल्दी से ट्राई करी और वो इतने मज़े की बनी कि ये फिर ये मेरी एक सिग्नेचर रेसिपी बन गई. फिर इसके अलावा मैं कुछ बनाती ही नहीं हूँ किसी तरीके की चटनी. चटनी जो है वो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रही है, तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी बनी है और आपको कैसी लगी. ठीक है, बस मैं थोड़ा सा इसको भून के और मैं इसको लिड कर दूंगी ताकि टमाटर अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए और ये बहुत ही जल्दी बन जाएगी रेसिपी. ठीक है, अब मैं इसको लिड कर रही हूँ. मैं 5 से 10 मिनट में खोल के दिखाती हूँ. तैयार है मज़ेदार और खुशबूदार सी टमाटर की ये चटनी जो कि है बहुत ही आसान और मुनफरिद और मेरे स्टाइल में. आप इसे एंजॉय कर सकते हैं मटर के चावलों के साथ, पराठे के साथ या कोई भी चीज़ जो भी आप चाहें, और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा. टिल नेक्स्ट रेसिपी, अल्लाह हाफिज़.